तो क्वेश्चन है 38, द रीडिंग ऑफ द एमिटर A1, A2, A3 इन द सर्किट आर रेस्पेक्टिवली। तो आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मतलब रीडिंग क्या होगी। देखो, अगर इस क्वेश्चन को मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूँ यहाँ का और फिर उससे I1, I2, I3 निकालने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें हम दूसरी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्या हमें इन ऑप्शंस में एक सुविधा दी हुई है क्या कि जो A3 है उन सब की वैल्यू सेम है, यानी कि एक बात तो श्योर है कि A3 की वैल्यू 0.6 ही होगी। अब इसी चीज़ का मैं इस्तेमाल करूँगा। देखो, A3 क्या है, ये वाला, यानी कि इस सर्किट में बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो 0.6 एम्पियर है, इतना तो कन्फर्म है, ऑप्शन से सभी में सेम है ना। ओके, अब ये जो 0.6 एम्पियर होगा ये कुछ ऊपर जाएगा कुछ यहाँ पर जाएगा, और जब ये KCL आप लगाओगे तो इस सर 2 ओम में भी 0.6 एम्पियर ही करंट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो करंट, मान लीजिए यहाँ से करंट गया 0.6, तो अलग अलग ब्रांच में आएगा लेकिन फिर से आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा ना, तो 0.6 यहाँ पर आ गया। अब 0.6 में से कुछ जाएगा ऊपर और कुछ जाएगा नीचे, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि A2 में कितना होगा, A1 में कितना होगा। मुझे एक बात तो पता लग गई है कि A3 की वैल्यू 0.6 है, ऑप्शन को देख करके। A3 कितना है, 0.6, ये तो ऑप्शंस को देख करके पता चल रहा है। अब पहले A2 निकाल लेते हैं, वो आसान होगा। कैसे, देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। पहले जैसे आपके पास कभी भी दो रेजिस्टेंस हो ना पैरेलल में, मान लीजिए इसका R1 है और इसकी वैल्यू R2 है और करंट टोटल आ रहा I, तो अगर आपको मान लीजिए ये I1 है और ये I2 है, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू होगी जो करंट आ रहा है I इंटू में जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है ना उसकी मल्टीप्लाई, यानी कि R2 अपॉन में दोनों का समेशन, R1 प्लस R2। ऐसे ही जो I2 हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल करंट कितना आ रहा है इंटू में जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है उसकी मल्टीप्लाई, यानी कि R1 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। तो इन्हीं फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा A2 निकालने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो करंट होगा। अब आप ये देखिए जी, जो टोटल करंट आ रहा है यानी कि I, वो कितना होगा 0.6, और मुझे निकालना है 20 वाले में। तो जब मैं करंट निकालूंगा 20 ओम वाले रेजिस्टेंस में, जिसको हम I2 भी कह सकते हैं, ठीक है, I2 मतलब यहाँ पर जो करंट जा रहा है, लेट से ये I2 है। अभी I2 किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा टोटल करंट इन दोनों में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.6 टोटल करंट मल्टीप्लाई। जब मैं I2 ले रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा दूसरा वाला, यानी कि 5 ओम अपन में नीचे दोनों का सम हो गया, यानी कि 5 प्लस 20। अब I की वैल्यू कितनी है, 0.6 है, 5 की वैल्यू 5 और ये आ जाएगा 25, यानी कि 5 आ गया यहाँ पर। तो I2 कितना आ जाएगा, 6 अपॉन में पॉइंट हटा करके 0 लगा दो, यानी कि 50, यानी कि 3 अपॉन 25, जो कि आएगा 0.12। अब आप ऑप्शन में जाओ, ये देखो कि I2 की वैल्यू या A2 की वैल्यू 0.12 किस ऑप्शन में है। तो ये सिर्फ ऑप्शन डी में ही ऐसा है, बाकी सब में तो से अलग है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो, हमें बाकी A1 निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कम से कम समय में हमें सही आंसर तक पहुंचना होता है, वो हम पहुंच गए हैं। सबसे पहले हमने ये कंक्लूजन निकाला कि सभी ऑप्शन में सेम आंसर दिया हुआ है A3 के लिए, तो 0.6 टोटल करंट। फिर हमने ये देखा कि इनमें से 20 ओम में कितना करंट जाएगा, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, I इंटू 5.5 प्लस 20 और 0.12 आ गया, और उसी समय 0.12 मतलब एक ऑप्शन में मिल गया, तो वही आंसर सही हो जाएगा। तो ज़्यादा वेस्ट टाइम ना करें और अपना जो जैसे भी सावधान भेंट लगा करके, जैसे भी आपका सही आंसर आ रहा है कम से कम समय में उसको आप अप्लाई करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें। थैंक यू एवरीवन।